गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। माई सेल्फ अंकुर कुमार कांडपाल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डोजेस फॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स। तो लास्ट टाइम हमने, जैसे मैंने आपको पूरा फार्मास्यूटिक्स का ओवरव्यू बताया था, यूनिट्स में आपके क्या क्या हैं, यूनिट्स क्या क्या हैं फार्मास्यूटिक्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में। तो डोजेस फॉर्म हमारा किस टाइप्स का हो सकता है? थ्री टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले हमारा डोजेस फॉर्म आता है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड आता है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो हमें ये डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म? तो अब क्वेश्चन आता करते हैं कि हमें डोजेस फॉर्म की नीड क्यों पड़ी, नीड। तो ये दो टाइप्स में है कि हमें डोजेस फॉर्म की नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमारा जो आता है ड्रग सेफ्टी, और दूसरा आता है पेशेंट सेफ्टी। ये दो पैरामीटर है जिसकी क्या है, डोजेस फॉर्म जो हमारा मेन जिस पे हमारा बेस्ड है। तो ड्रग सेफ्टी मतलब ड्रग की सेफ्टी, उसे क्या है, ड्रग का लॉन्ग टाइम तक सेफ रहना कि उसका डिटेरियोरेशन ना होना। दूसरा क्या है, पेशेंट कंप्लायंस, कोई भी हमारी जो डोजेस फॉर्म है सबसे पहले क्या है, वो पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसको क्या है, पेन ना हो लेते समय। जब बॉडी में हम डिलीवर करेंगे कोई भी डोजेस फॉर्म तो उसको क्या हो, पेशेंट कंप्लायंस हो। तो ये जो दो टाइप्स के हमारे डोजेस फॉर्म के जो दो पैरामीटर हैं, इसके बेस पे हम अपने डोजेस फॉर्म को डेवलप करते हैं। तो हम देखते हैं डोजेस फॉर्म में हमारा क्या क्या होता है। तो डोजेस फॉर्म में हमारा सबसे पहले आता है एपीआई। तो फार्मेसी में एपीआई का मींस होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा क्या होता है, इंग्रेडिएंट। देन हमारा जो डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म जो हमारा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, कोई भी ऐसे मटेरियल्स जो हेल्प करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। तो हमारा जो मेन है इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, और एक्सीपिएंट जब मिला के हम बनाएंगे तो हमारे एक डोजेस फॉर्म तैयार हो जाएगा। डोजेस फॉर्म किस, मैंने आपको तीन टाइप्स का बताया, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो डोजेस फॉर्म हमारा यह है। तो हमारा सबसे पहले आता है ड्रग। ड्रग क्या होती है, एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, केमिकल पार्ट होता है जो कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी। बात करते हैं हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जिसके एग्जांपल्स हैं, सॉलिड मतलब कठोर, जो सॉलिड फॉर्म में, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकता है आपके, टैबलेट हो सकता है, ठीक है, कैप्सूल हो सकता है, पिल हो सकता है, हाँ, या पाउडर हो सकता है। ये आपके क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जब बात आती है लिक्विड डोजेस फॉर्म की, लिक्विड मतलब तरल, लिक्विड डोजेस फॉर्म जो लिक्विड की तरह होंगे, तो उसमें हमारा क्या क्या सकता है, सबसे पहले आ गया सिरप, ठीक है, हमारा आ गया इमल्सन, एलिक्सर, है ना, सस्पेंशन, ये हमारी सारी केयर ड्रग्स हैं डोजेस फॉर्म में। लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर हमारा ये सब आ जाएगा। देन हमारी थर्ड है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड के अंदर आ जाएगा आपका क्रीम हो गया, है ना, पेस्ट हो गया, थ्रोट पेंट हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, सॉलिड, ये आपके डोजेस फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सारे कैटेगरी में, सॉलिड में आ गया आपका, लिक्विड में आ गया, और सेमी सॉलिड में आ गया। करते हैं हम क्लासिफिकेशन, किस टाइप से हम डोजेस फॉर्म का करते हैं। तो क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म, तो जो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है हम टू टाइप्स में कर सकते हैं। एक जो हमने अभी देखा पढ़ा, इसका फिजिकल फॉर्म के आधार पर कर सकते हैं,
फिजिकल फॉर्म के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डोजेज फॉर्म का, और दूसरा कर सकते हैं हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ, बॉडी में। तो हम टू टाइप्स के आधार पे क्या कर सकते हैं, डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल फॉर्म, जो हमने पहले देख लिया, सॉलिड आ जाएगा इसके अंदर, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। दूसरा हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है, थर्ड हमारा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, किसके आधार पर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग देखो बॉडी में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले पहले आता है हमारा ओरल, दूसरा आता है हमारा टॉपिकल, रेंट्रल, ठीक है, हमारा आता है ऑप्टिक, आता है रेक्टल, वेजाइनल और ओटिक। तो ये हमारा क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे हमारा डोजेज फॉर्म का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्या है, डोजेज फॉर्म हमारी किस टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन है। एक है फिजिकल फॉर्म के आधार पर कि हमारी डोजेज फॉर्म किस फॉर्म में है, कौन सी फिजिकल फॉर्म में है, या सॉलिड है, लिक्विड है, या सेमी सॉलिड है। देन हमारा दूसरा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। उसमें हमारा आ सकता है सबसे पहले पेरेंट्रल हो गया, टॉपिकल हो गया आपका, ठीक है, ऑप्टिक हो गया, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया और ओटिक हो गया। तो ये सारी प्रिपरेशन हमारी डोजेज फॉर्म की है। अब हम डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं हर कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, यूनिट और बल्क में। यूनिट मतलब उसका मेजरमेंट पता है। तो यूनिट में हमारा जो आ जाएगा डोजेज फॉर्म में, सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स। बल्क को हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल में आ गया हमारा फाइन पाउडर और दूसरा आ गया ग्रेन्यूल्स। एक्सटर्नल यूज में सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा आ गया डस्टिंग पाउडर और दूसरा इंसेपलेशन। दूसरा हमारा देखते हैं लिक्विड में। लिक्विड हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, बायोफेजिक और एक मोनोफेजिक। बायोफेजिक मतलब उसमें दो मीडियम होते हैं, और दूसरा हमारा है मोनोफेजिक। बायोफेजिक में हमारा आ गया इमल्सन और सस्पेंशन। हमारा बायोफेजिक में सस्पेंशन मींस क्या होता है, इसमें एक सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा लिक्विड पार्ट होता है। तो टू पार्ट्स होगा, सेम इमल्सन में भी ऐसी है। मोनोफेजिक में हमारा टू टाइप्स में है, पहला है हमारा इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, सिरप हो गया, ड्रॉप्स हो गया, तो ये हमारा जो है इंटरनल के अंदर आ गया। एक्सटर्नल मतलब हमारा लोशंस और स्प्रेज। लोशंस मतलब जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है बॉडी के बाहर यूज करते हैं, तो हमारा हो गया लोशन, दूसरा हो गया स्प्रे और तीसरा लिनिमेंट। सेमी सॉलिड में भी हमारा टू टाइप्स में हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हमारा गया पेसरीज। पेसरीज होता है जो हमारा ऐसी डिवाइस होती है जो वेजाइनल इंसर्शन के दौरान यूज की जाती है। दूसरा हमारा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगाया जाएगा बॉडी पे। सेमी सॉलिड में इधर हमारा ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, पेस्ट है और जेलीज है। तो ब्रीफ में देखेंगे हम सॉलिड डोजेज यूनिट फॉर्म में टैबलेट के बारे में। टैबलेट हमारा क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, ठीक है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। सब लोग, आप सबने टैबलेट देखी होगी। टैबलेट कैसी होती है, फ्लैट शेप होती है। तो सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, कैसे बनती है, कंप्रेशन के थ्रू बनती है। तो क्या होता है, जैसे हमारा टैबलेट है कंप्रेशन के फॉर्म डबाए, कंप्रेशन मेथड से बनती है टैबलेट, ठीक है। टैबलेट भी हमारा क्या है, जो इसमें हमारा सबसे मेन है API होगा, और क्या होगा हमारा, अदर एक्सीपिएंट्स होंगे। एक्सीपिएंट्स मैंने आपको बताया क्या, एक्सीपिएंट्स हमारे क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं, मतलब कोई भी बॉडी में इफेक्ट नहीं देंगे। हमारा इफेक्ट कौन देगा, API देगा। और जब API और एक्सीपिएंट्स जब मिलकर बनेंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक डोजेज फॉर्म तैयार होगी। तो वो डोजेज फॉर्म क्या हमारी, इसके केस में सॉलिड डोजेज फॉर्म है टैबलेट। तो बात करते हैं हम टैबलेट, हमने बताया सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में, जो किससे बनती है, कंप्रेशन के फोर्स से बनती है। तो उसमें हमारा एक्सीपेंट के अंदर हमारे बहुत सारे एक्सीपेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा जाता है डाइलुएंट, API प्लस डाइलुएंट प्लस बाइंडर
प्लस कलरिंग एजेंट, ठीक है, प्लस फ्लेवरिंग एजेंट। आप देखा होगा फ्लेवर वाली टैबलेट्स भी आती हैं, कलर वाली भी आती हैं, ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन एजेंट। तो ये सारे हमारे एक्सिपिएंट्स मिलके क्या एक डोजेस फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले डाइलुएंट आ गया। डाइलुएंट क्या होता है, ऐसा हमारा जो बल्क बढ़ाता है किसी भी प्रिपरेशन में। अब क्या हम सीधे सीधे एपीआई ले नहीं सकते हैं, एपीआई क्या होता है, बहुत इसकी जो पोटेंसी होती है हाई होती है, तो हमें क्या है किसी भी चीज़ में एपीआई को मिला के देना पड़ता है। तो एपीआई हो गया हमारा, डाइलुएंट हो गया, बाइंडर हो गया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेशन एजेंट। तो ये सारे मिलकर हमारी डोजेस फॉर्म तैयार करेंगे। दूसरा हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है कैप्सूल। कैप्सूल हमारा क्या है, एक डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये हमारा, एक जिलेटिन का, जिलेटिन की शेल है। तो हमारी जो कैप्सूल है वो एक जिलेटिन सेल है जिसमें हमारी क्या है मेडिकामेंट इंक्लोज्ड है। तो जैसे कैप्सूल हमारा क्या है, दो पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहले हमारा है एक बॉडी पार्ट है और एक है कैप। आपने कैप्सूल सबने देखी है, तो उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी पार्ट होता है और दूसरा कैप पार्ट होता है। तो जो लॉन्ग पार्ट होता है नीचे वाला वो होता है हमारा बॉडी पार्ट और दूसरा वाला होता है कैप पार्ट। और इसके अंदर हमारा क्या पड़ा रहेगा, एपीआई। एपीआई किसके साथ रहेगा, एक्सिपिएंट के साथ मिला रहेगा। तो हमारा जो भी हमारा कैप्सूल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर हमारा क्या मेडिकामेंट, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो वो जो भी एक्सिपिएंट और एपीआई कॉम्बिनेशन है वो हमारा किसके अंदर है, एक सेल के अंदर है। तो हमारा कैप्सूल ये है। कैप्सूल हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। टू टाइप्स का हमारा होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये क्यों बनाया गया है, ये पेशेंट के कंप्लायंस के आधार पर बनाया गया है कि हार्ड चाहिए या सॉफ्ट जिलेटिन प्रेफर करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया। हार्ड जिलेटिन के भी बहुत सारे साइजेस होते हैं, अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो इसका हमारा सबसे बड़ा जो साइज होता है 000 होता है, सेकंड होता है हमारा 00, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा इतने साइजेस में मार्केट में अवेलेबल रहता है कैप्सूल साइज। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा, डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर हो सकता है वो पढ़ा हमने, और सॉलिड डोजेस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने टैबलेट और कैप्सूल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में।